दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों अगर आप पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद, भारतीय हो तो जय हिंद नीचे कमेंट कर दें। न्यूज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और बेहतरीन वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को तीसरे टेस्ट में 107 रन से शिकस्त देकर सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया है। ताहम सरफराज अहमद ने वो रिकॉर्ड लगा दिया जो शायद कई साल तक न टूट सके। वो रिकॉर्ड कौन सा है जानने के लिए वीडियो एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों पाकिस्तान की पूरी टीम जनूबी अफ्रीका की जानिब से दिए गए 381 रन के हदफ के ताकब में 273 रन बनाने में कामयाब हुई। यूं जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया है। दोस्तों टेस्ट सीरीज के आखिरी मैच में पाकिस्तानी बॉलर ने शानदार बॉलिंग की तो कप्तान सरफराज अहमद ने भी विकेटों के पीछे खूब शिकार किए। उन्होंने 10 बल्लेबाजों के कैच थामकर नया कौमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। इनसे पहले पाकिस्तान की जानिब से राशिद लतीफ और कामरान अकमल ने विकेटों के पीछे एक ही टेस्ट मैच में 9-9 शिकार किए थे। सरफराज अहमद ने दोनों इनिंग्स के दौरान 5-5 खिलाड़ियों के कैच पकड़े। पहली इनिंग में उन्होंने ओपनर मार्करम और एल्गर का शिकार किया जबकि जुबैर हमजा, बबूमा और रबादा भी सरफराज अहमद का शिकार बने। दूसरी इनिंग में भी सरफराज अहमद ने दोनों ओपनर्स मार्करम और एल्गर के कैचेस पकड़े। उन्होंने हाशिम आमला, बबूमा और ओलिवर के कैचेस पकड़कर एक मैच में 10 कैच पकड़ने का रिकॉर्ड कायम किया है। तो यूं जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में एक तरफ क्लीन स्वीप कर दिया है तो वहीं कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने एक टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा कैचेस पकड़ने का कौमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमें इजाजत दें, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।